अब जासूसों ने देश में घुसने का नया पैंतरा अपना लिया है। जासूस भारत में पासपोर्ट और वीजा के जरिए आ रहे हैं और अपने काम को अंजाम देकर आसानी से वापस लौट रहे हैं। राजस्थान में पाकिस्तान के जासूसी और आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। जैसलमेर में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आए कथित एजेंट नंदलाल महाराज को गिरफ्तार किया गया है। आईबी रॉ और राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नंदलाल पाकिस्तान के खिप्रो का रहने वाला है। आरोपी राजस्थान से लगती पाकिस्तान सीमा से अलग अलग जगहों से अब तक 35 किलो आरडीएक्स भारत में बम ब्लास्ट के लिए पहुंचा चुका है। वहीं कथित जासूस के पास से एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें सारे डिटेल लिखे हैं कि कब कब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसके खाते में पैसे डालती थी। इस काम के बदले ISI 10,000 से लेकर 60 से 70 हजार रुपए तक देती थी। साथ ही आरोपी के पास से 2 मोबाइल सेट और दर्जनों पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कथित जासूस कहे जा रहे नंदलाल के पास से एयरफोर्स बेस के कुछ मैप भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तीनों खुफिया एजेंसियां पिछले 48 घंटे से नंदलाल महाराज से जैसलमेर में पूछताछ कर रही हैं। अभी तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर भारत को घेरता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान क्या कहेगा? पहले जिंदा पकड़ा गया आतंकी बहादुर अली और अब कथित जासूस नंदलाल। क्या पाकिस्तान अभी भी यही कहेगा कि ये भारत की चाल है? देखते रहिए जीबी लाइव।